नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10, 11 और 12 मई की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे होती होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों 10 मई की बात करें तो मंगलवार का दिन होगा, शुक्र पक्ष की नवमी तिथि, मघा नक्षत्र और साथ ही व्याघात नाम का शुभ रहेगा। दोस्तों इन दिन राहु कल का समय शाम के 3:39 लेकर शाम के 5:16 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। और दोस्तों चंद्रमा दिन सिंह राशि पर संचार करेंगे। अगले दिन की बात करें तो बुधवार का दिन होगा, दसवीं तिथि, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और साथ दोस्तों दिन हर्षण नाम का शुभ योग। राहु कल के समय दोपहर के 12:23 लेकर दोपहर के 2:01 रहेगा और चंद्रमा सिंह के उपरांत कन्या में गोचर कर जाएंगे। दोस्तों 12 मई की बात करें तो दोस्तों दिन गुरुवार के दिन होगा, एकादशी तिथि, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और साथ दोस्तों दिन वज्र नाम का शुभ योग रहेगा। राहु कल के समय दोपहर के 1:01 लेकर शाम के 3:39 रहेगा और चंद्रमा इस दिन कन्या राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में दाम्पत्य जातकों को जो है अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि संभावना है कि आपकी संतान अपने कार्यस्थल पर अच्छा कार्य करेंगे जिससे उनकी उन्नति होगी। इससे दोस्तों घर परिवार में खुशियों का जो है आगमन होगा, कुछ शुभ कार्य संपन्न होने की भी यश में योग बन रहा है। वहीं दोस्तों यश में अगर आपकी नेगेटिविटी की बात करें तो यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों यश में देश के भीतर ही करें। यदि आप विदेश की यात्रा करते हैं तो दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है और आप धोखेबाजों से यश में नुकसान खा सकते हैं। यात्रा करने की योजना बनाने से पहले जो है आप उचित जाँच पड़ताल कर लें और गहन शोध का संचालन करें। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय रहेगा, भविष्य के लिए जो है कुछ योजना बनाने का समय नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो बाद में इन्हें आपको फेरबदल करना पड़ सकता है। दोस्तों ये जो समय है पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी आपको पड़ सकती है। वहीं दोस्तों ये समय आप किसी भी बात को अपने दिल पर न लें, न ही उसके कारण अपने आँख को बढ़ने दें, नहीं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों इससे न केवल आपकी रिश्तों पर असर पड़ेगा बल्कि आपकी सेहत भी यश में खराब हो सकती है। दोस्तों यश में अपनी गलतियों को जो है स्वीकार करें और उन्हें नकारने के बजाय उनसे कुछ सीख लें तो जो है भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और भविष्य में आप गलतियों को करने से बचेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों काम काज के लिहाज से ये जो दिन है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, धन लाभ और सफलता मिलने के योग हैं। दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे कार्य क्षेत्र में आपको पहले से अधिक सफलता पाने के लिए प्रयास करने की जरूरत होगी। मेहनत और परिश्रम से आप यश में आगे बढ़ेंगे और सफलता का जो है कुंजी हासिल करेंगे। भूमि और भवनों से संबंधित भी सभी कार्य यश में पूरे होंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपका विवाहित प्रेम इस समय रोमांटिक होना चाहिए और आपका जुनून आपके साथी को यश में आकर्षित कर सकता है। एकल लोग किसी से भी यश में जल्दी मिल जुल सकते हैं और पतिबद्ध रिश्तों को जल्द ही आप विवाह में बदल सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों ये जो आपके लिए समय होगा, परिजन के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है, आप इनका भी ध्यान रखें। अपना जो है जो स्वभाव यश में अड़ियल न रखें, इसके बजाय दोस्तों यश में आप अपने परिजन के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए इन दिनों में आपकी सेहत के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों यश समय संयमित दिनचर्या व जीवन शैली अपनाकर आप अपने आप को बेहतर रखने की कोशिश करते रहें। वहीं दोस्तों यश समय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 6। वहीं दोस्तों इन दिनों में आपके मन में जो है उठने वाले सृजनात्मक विचारों को चाहने पर भी आप अभिव्यक्त नहीं कर सकेंगे,
परंतु उन्हें जो है नोट रखने की गणेश जी सलाह देते हैं। दोस्तों इन दिनों में आप जो है अपने कार्य के प्रति खूब गंभीरतापूर्ण होंगे। कुछ अज्ञात कारणों से आपकी यात्रा के जो है कार्यक्रम को विलम्ब में डालना पड़ेगा, ऐसी संभावना है। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी धन को लेकर बात करें तो दोस्तों गणेश जी आपका दिन सफल बनाने के मूड में है। आप उन लोगों के लिए भाग्यशाली होंगे जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों यश में मालिक से प्रशंसा मिलेगी, सहयोगी आपके कायल रहेंगे। आप कुछ नया लॉन्च करने से यश में बचें, इसके लिए जो है आप अन्य समयों की प्रतीक्षा करें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो समय है सैंपेन गुलाब और डार्क चॉकलेट रोमांस का मूड बना सकते हैं। आप अपने प्रेमी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में यह समय कामयाब होंगे। दोस्तों यह समय घर से दूर शाम का आप आनंद ले सकते हैं। आयन नृत्य या फिर स्विमिंग पूल में नहाकर जो है ताज़ा दम करने से आप अपने साथी के अधिकतम हमदम व फिर घनिष्ठ हो सकते हैं। वहीं दोस्तों यह समय अगर आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपके पास पैसे कमाने का अच्छा मौका भी होगा। जो लोग आपको पैसे देते हैं वो या तो आपको भुगतान करेंगे या फिर कुछ पैसे जल्द ही करने का कमिटमेंट करेंगे, आप खुश होंगे। वह दोस्तों इन दिनों में आपकी जो है याददाश्त और जो है स्मरण शक्ति काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा ये जो समय है अधिक विनम्र आप होंगे, चीज़ों को लेकर यश में आप झगड़ेंगे नहीं। आप ये जो समय है कुछ चीज़ों को लेकर उम्मीद खो सकते हैं, यह आपकी निराशा और आशावाद का कारण होगा। दोस्तों यश में आपको काफ़ी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अपने बीते समय में बहुत से पैसे आपने खर्च किए हैं जिसका जो है खामियाजा यश में आपको भुगतना पड़ सकता है। आपको पैसे की यश में ज़रूरत होगी लेकिन वो आपको समय पर नहीं मिल पाएगा। वहीं दोस्तों यश में आप अपने स्वास्थ्य को अस्थिर न होने दें, खास तौर पर अपनी पत्नी या फिर पति के साथ, नहीं तो यह घर की शांति पर असर डाल सकता है। दोस्तों यश में विवादित मुद्दों को उठाने से आप बचें। अगर आप यह समय डेट पर जा रहे हैं तो दोस्तों आप किसी बड़े व्यवसायिक लेन देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी जो है कुछ परियोजना में कई लोगों का संयोजन भी यह समय कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में आप अपने आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर बनाने के लिए जो है लहसुन और प्याज की गांठ बांधें और बहते जल में इन्हें प्रवाहित कर दें, इससे दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति और भी बेहतर होगी।